Hello friends, welcome to the session. In this session, I am discussing with you BigTest part 5. So basically in this part, I am just giving you a BigTest for 10 questions and you have to answer that in that question in 5 minutes. So I will start the timer and I will give 1 minute for two these figures. And next 1 minute for these two, next one for these two. So in this way, I will give you total 5 minutes and you can write your answers on your paper. And now let's start this timer and I will also answer that questions with on my paper also. So let's start the timer. So I am giving this 1 minute to complete your answer. Moving on to the next questions. This is the next question for 1 minute. So this minute contains these two questions. Moving to the next. Moving to next. Okay.
Moving on to next. Here is the last test. I have 13 seconds remaining, so in this time I completed here 48 questions. 48 questions I have completed in these minutes, and there is something like scrolling also. Now in the next time, next few minutes, I am giving the answers. So I am pausing this video to just check my answers, and then I will give you answers. Okay, so here are the answers. I am just pausing this video to check my answers. हाँ जी, तो अभी अगर इस वीडियो की बात की जाए, ये आपके पास आंसर है. अभी मैं आपको आंसर्स दिखा देता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं. और यहाँ पे बेसिकली आंसर क्या है ये आप देख सकते हो. उपखंड 1 से लेके 6 तक के आंसर यहाँ पे हैं. ये वाले जो आंसर्स हैं, ये आपके आंसर्स हैं. ए कितने ब्रिक को टच कर रहा है, बी कितने को कर रहा है, सी कितने को कर रहा है, इन दैट वे ऐसे आपके ये आंसर्स हैं. आप इनको हाईलाइट स्क्रीनशॉट लेके इनको चेक कर सकते हो. ठीक है, जो भी आपने मार्क किए हैं आपके, उनमें से कितने सही हैं. और ऐसे ही अगर देखा जाए बाकी जो हैं 7 से लेके ये 7 जिन 8 9 10, तो इसके ये आंसर हो गए. आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा. उसके बाद अब बात करते हैं कि इनमें से हमने कितने किए. तो यहाँ पर थोड़ी सी जगह है, मैं आपको बताता हूँ. मैंने जो थे अभी इसमें से, जैसा आपको बताया था कि 48 क्वेश्चंस जो हैं वो मैंने अटेम्प्ट किए थे. ठीक है, और इसमें आपको कितने नंबर लेके आने हैं, 42%. और 42% लाने के लिए आपको 50 में से अगर आप 30 या 25 प्लस ठीक कर देते हो तो इजीली आपके आ जाएंगे. लेकिन आपको क्या है, इसमें ज़्यादा स्कोर करना है. तो अभी जो है मेरे अकॉर्डिंग जो मैंने आंसर मैच किए हैं, इसमें से मेरे 46 क्वेश्चन जो हैं वो करेक्ट हुए हैं. तो अच्छी बात है, आप लोग भी ट्राई कीजिएगा. और ज़्यादा से ज़्यादा, जितने ज़्यादा आप प्रैक्टिस सेट लगाओगे उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा. और मैं कोशिश करूँगा जल्दी से एक नया ब्रिक टेस्ट आपके लिए या क्यूब का टेस्ट लेकर आऊँ. तो और अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा. बाकी आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि जैसे इसका आंसर अभी बताता हूँ मैं, ये कितनी ब्रिक्स को टच कर रहा है. 3 ऊपर हो गई, 4 ये साइड पर हो गई, और 5वीं ब्रिक ये हो गई. तो ए कितने को टच कर रहा है, 5 को. इस टाइप से आपको आंसर करने हैं. बी कैसे, बी कितने को टच कर रहा है, अभी आप देख सकते हो बी कितनों को. एक ऊपर हो गया जी वाला, एक ब्रिक ये हो गया, एक ब्रिक ये नीचे 2 हो गए. तो ब्री कर रहा है 4 को. इसके बारे में भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा बहुत जल्दी. और अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कीजिएगा. जैसे अभी आप इसकी बात कर लें डी की, तो डी कितने को टच कर, डी तो चलो साइड पर, सी की बात कर लेते हैं. सी जो है इस साइड से 2 को टच कर रहा है, इस साइड से 2 को टच कर रहा है, और नीचे 2, तो इस सी टच कर रहा है 6 को. थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए. हैव अ नाइस डे.